इसराइल हमास युद्ध के बीच लेबनान का हिजबुल्ला इसराइल के लिए एक ऐसा नासूर बन गया है जिसका घाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और यह नासूर धीरे धीरे उत्तरी बॉर्डर से बढ़कर अब इसराइल की ओर भीतर घुसता जा रहा है। हिजबुल्ला हर एक मिनट में इसराइली सेना को दहला रहा है जिसका जवाब IDF उतनी ताकत से दे नहीं पा रही जिससे हिजबुल्ला के हमले रुक पाए। यहां तक कि इसराइल का रक्षा कवच माना जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी अब हिजबुल्ला के आगे फेल हो चुका है। दरअसल हिजबुल्ला ने 8 सितंबर 2024 को उत्तरी इसराइल पर सिलसिलेवार तरीके से कई ताबड़तोड़ हमले किए हैं जिसमें IDF को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने IDF के जाउरा मिलिट्री साइट पर एक हमला किया है और यह हमला आयरन डोम की बैटरीज और IDF के जमावड़े वाली जगह पर हुआ है। हिजबुल्ला के मुताबिक इस हमले में आयरन डोम की बैटरीज और सैनिक हताहत हुए हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला ने कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स में सुमेकाह साइट पर भी हमला किया। यह हमला शाम को करीब 3:35 पर हुआ और इसके कुछ मिनटों बाद हिजबुल्ला ने अबू दजाज हाइट्स में इजरायली सैनिकों के ऊपर भारी गोला बारूद से हमला कर दिया जिसमें IDF को और बड़ा नुकसान हुआ है। हिजबुल्ला का कहना है उसने राज नाकुरा नवल साइट पर भी एक ड्रोन पर हमला किया है जिसमें इजरायली सैनिकों और अधिकारियों की पोजीशन को निशाना बनाया गया। इस हमले को लेकर हिजबुल्ला का कहना है कि पहले तो उसके लड़ाकों ने शमीर और क्रियात शोमना पर रॉकेटों का एक जत्था दागा और उसके बाद IDF के ऊपर फलक रॉकेट से हमला कर दिया और इन हमलों के बीच हिजबुल्ला ने मलिकिया साइट पर IDF के जासूसी उपकरणों को भी उड़ा दिया। बड़ी बात यह है कि इस हमले से पहले रुवैसत अल आलम साइट पर भी कई रॉकेट बरसाए गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिजबुल्ला ने इजरायली सेना पर हमला किए हों, बल्कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कुछ गांवों पर कई भीषण हमले किए। खुद हिजबुल्ला ने इस बात को कबूला है। हिजबुल्ला के मुताबिक IDF ने खिरबेत सेलम गांव पर एक भीषण हमला किया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 6 लोग घायल हुए हैं जिनमें से 6 लोगों को मामूली चोट आई है जबकि एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि हिजबुल्ला ने यह नहीं बताया है कि इस हमले में उसका कोई लड़ाका मारा गया है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना इन हमलों में हिजबुल्ला के कई लड़ाकों को निपटाने का दावा कर रही है।